ओम शांति। 7 जून 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। प्रश्न: बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर: बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे ही, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एज्ड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते ही आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था, देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे ही हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं, शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं, तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो इस रथ के ब्रकटी के बीच शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए, मामेकम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है बाप को, बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ, इसलिए
यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बुरकटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं, वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है, तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो, हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है, वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। चित्र भी सामने है। तुम जानते हो, हमको यह बनना है। बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके। एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत ना लेवे, कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों किसको पता नहीं। बात कितनी छोटी है, राम तो है त्रेता का, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। दो कला कम हुई ना, बाबा समझाते हैं। शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाए खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा, उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है। जिसने काला बनाया है, देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है, तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं, यह तो ड्रामानुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं, यही युद्ध है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते हो। यह खेल है। समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं, भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है, सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं, बच्चों
अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो, युगल साथी नहीं बनते तो झोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है, यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ, टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं, जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। अभी आत्मा में एलॉय पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संगों में ऐसा कभी नहीं कहेंगे, बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का, यह भी जानते हो ड्रामानुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं। अब यह बनना है, तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है, बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है, ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहां से आया, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती हैं वह तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती, बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है।
झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले हैं। यह भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल। गायन भी है जब सद्गुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों, मुझे बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, मुझे बाप को याद करो। तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाप कहते हैं, अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़े ही, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते ही। दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते ही, आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वह समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता है, यह काम कटारी ना चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं। कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है।
आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं, उन्हें जांच कर निकालना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.